अब जो हम महिलाएं हैं, अब जब वो सिलेंडर खरीद रही हैं, खाना बना रही हैं, सब्जी ले रही हैं, अब वो पानी पी पी के मोदी जी को गाली दे रही हैं। इजाफा 101% हुआ। और बताइए क्या हालात हैं बनारस में और बनारस की जनता क्या सोच रही है, जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी? गोदोलिया पे जाके आप जब पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेंगे तो 20 रुपया घंटा है, और रुद्राज की बात कर रहे हैं, उसका किराया जान रहे हैं कितना है? 1 लाख रुपया घंटा। 1 लाख रुपया घंटा वहाँ का किराया है। जब पेट में भोजन रहेगा तब ना हम जय श्री राम या अल्लाह करेंगे। तो 50,000 रुपए इसका क्यों एक्स्ट्रा कर रहा है भाई साहब? हम तो मिडिल क्लास बरोबर ही आपके पड़ोसी हैं। यही बात। अब यहाँ पे बात कैसी होने लगी? कॉर्पोरेट जैसी, मार्केटिंग जैसी, जनता वाली बात नहीं हो रही है कि जनता को पहले क्या मिलता था अब क्या मिलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बकेट। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं, और मूड ऑफ द नेशन जानने के लिए कि प्रधानमंत्री के छवि में कितनी गिरावट आई है या क्या बढ़ोतरी हुआ है, यह पता करने इस वक्त हम काशी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक एक कर सवाल उनसे पूछेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया टुडे के सर्वे में यह पाया गया है कि 24% ही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बची है, और योगी आदित्यनाथ जिनकी परीक्षा होने जा रही है यूपी में, जो महासंग्राम की बात कही जा रही है, वो 11% तक आकर ठहर गए हैं। लेकिन क्या हालात हैं बनारस में और बनारस की जनता क्या सोच रही है, जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है इंडिया टुडे के सर्वे में कि 40% से घसक कर मोदी अब 24% तक आ गए, उनके इस तरह की छवि में गिरावट आई है क्या? देश के चौथे स्तंभ में जिस तरीके से झूठ का एक बहुत बड़ा टिकोड़ा फूटा है और उन्होंने सच दिखाया है, वो चाहते तो ये भी दिखा देते कि 40% नहीं 80% बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने सही दिखाया। अब देखिए घाटा कैसे है। झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी? झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी? आपने सरकार बनाया कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, आपने नहीं किया तो आपकी लोकप्रियता घटी। आपने कहा कि बिजली का बिल सस्ता देंगे, आपने नहीं दिया तो आपकी लोकप्रियता घटी। आपने कहा कि मैं 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा, आपने नहीं दिया, लोकप्रियता घटी। आपने कहा कि 40 लाख करोड़ रुपया हमने दिया, कहाँ दिया, किसके पास आया, किसी के पास नहीं, तो लोकप्रियता घटी। जो दिखा रहा है कि उनकी लोकप्रियता घटी है, मुझे वो गलत समझ में आता है। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ी है। कितनी बढ़ी? बढ़ी कैसे ये पहले बता देते हैं। अब जो हम महिलाएं हैं, अब जब वो सिलेंडर खरीद रही हैं, खाना बना रही हैं, सब्जी ले रही हैं, अब वो पानी पी पी के मोदी जी को गाली दे रही हैं, तो उनकी क्या है, लोकप्रियता और बढ़ी है। आदमी जो है बाहर निकल रहा है, पेट्रोल भरवा रहा है, बाहर तमाम तरीके के जब खर्च कर रहा है, जब वो देख रहा है कि 10 रुपये की चीज़ आज 100 रुपये की हो चुकी है, तो वो उन्हें पानी पी पी के गाली दे रहा है। तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, घटी कहाँ है? और इसी तरह ये सरकार रही तो उनकी लोकप्रियता जो है बढ़ती रहेगी। भाजपा देखिए, अब भाजपा क्या है, वो डकैतों का चेहरा हो चुका है, और भाजपा का चेहरा कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनकी डकैती में लोकप्रियता बढ़ी है, तो मैं तो मानता हूँ कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वाराणसी से सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो बनारस की जनता कहती थी कि सौभाग्य हमारा कि हमारे वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, पर दुर्भाग्य है कि हमारे बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ भी नाम आता है पहले बनारस का नाम आता है कि बनारस के सांसद ही देश के प्रधानमंत्री हैं। कहीं ना कहीं वाकई ही लोकप्रियता बढ़ी है। भाई ने कहा कि जनता, पूरे देश की जनता अपने आप को छलना महसूस कर रही है कि मेरे साथ छल हुआ है। किसी बात पर उन्होंने खड़ा नहीं उतरा। कोरोना काल में सबसे बड़ा घोटाला, पीएम फंड में कितना रुपया आया, आज तक 1 रुपये का हिसाब उन्होंने नहीं दिया। कोरोना काल में राम मंदिर के नाम पे आपने देश को बेवकूफ़ बनाकर चंदा वसूलने का काम किया, उसका कोई हिसाब नहीं। जनता इस बार 2022 और 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आप देखेंगे जगह जगह पे, पेट्रोल पंप पे, गंगा घाटों पे सिर्फ फोटो लगा करके जो राजनीति हो रही है कि फ़ोटो लगा दिया, मोदी जी का बड़ा बड़ा फ़ोटो लगा दिया। अब फोटो तो लग गया ऊपर, और नीचे रोड गड्ढे में है, सीवर का पानी बह रहा है, जलकल का पानी सीवर में जा रहा है, तो इससे लोकप्रियता घटेगी, जाहिर सी बात है। अन्न महोत्सव मनाया गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 15 करोड़ लोगों को ऐसे लोगों को राशन दिया गया जिनको ज़रूरत थी, ये लोकप्रियता के लिए काफ़ी नहीं? मैंने तो जो ज़मीनी स्तर पर जो देखा, यहाँ पर रह के देखा, हर जगह हुआ था ये। और आप उसी अन्न बांटने की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मोदी जी अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रखे थे झोलों पे, उसी की बात कर रहे हैं ना आप।
70% जगह आप जाके देखे होते ना, तो वहाँ के जब जो अनाज का जो कंडीशन था अगर आप वो देखते हैं तो उसको, मतलब ये एक तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं ना उनका एक मजाक उड़ाना हुआ, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, वो उस तरीके का अनाज जो है वितरित किया गया कोटे द्वारा, जो कोटेदार हैं उन्होंने वितरित किया। तो ये सिर्फ एक अपने आप का खुद की जो है मार्केटिंग करने का हुआ है। और क्या युवाओं में, आप क्या कह रहे थे, युवाओं में क्या चीज़ जान डाल देगी, पैसे, रोजगार युवाओं में जान नहीं डालेगी। तुम पैसे तुम खरीद रहे हो युवाओं को, वो पैसे जा कहाँ रहे तुम्हारे? जब युवा इधर उधर भटक रहा है, व्यवसायी परेशान है, तो वहाँ पैसे जा कहाँ रहे? 13,000 करोड़ इतने बड़े बड़े अमाउंट हम लोग सुनते हैं, वो जा कहाँ रहे पैसे? जब यहाँ हम जैसे युवा जब इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, युवा सर पकड़ के बैठा हुआ है, आत्महत्या, महिला सुरक्षा की ये हालत हुई है, किसान जो है सड़क पे बैठा हुआ है, मतलब फिर ये पैसे हो क्या रहे हैं? कहते थे मन की बात, मन की बात का डिसलाइक आपको मालूम है कितना हुआ? कब तक आदमी मन की बात सुनेगा? आप तो अपनी मन की बात तो जनता को सुना दे रहे हो, जनता की मन की बात आप कब सुनोगे? कभी ऐसा भी तो चौपाल लगाओ जहां जनता और जनता की मन की बात आप सुनो। आप वो काम ही नहीं कर रहे हो, आप बस टीवी पे आते हो, विपक्षी नेताओं को आप जेल भेज दे रहे हो, आपकी लोकप्रियता कहां से बढ़ेगी? विपक्ष अगर है तो विपक्ष का सुनोगे ना। इससे पहले भी देश में 13 प्रधानमंत्री थे, दो ने तो अपने जान भी दे दिए, लेकिन अभी 15 अगस्त को आपने देखा होगा कि अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी या तो इनकी लोकप्रियता घटी थी, तो देश के लाल किले के अगल बगल आपने इतने बड़े बड़े डंपर क्यों खड़े कर दिए? किसान 8 महीने से बैठा है, किसानों को आप बात नहीं कर रहे हो, उनको बोलो, ये प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व हो सकता है। उनको बोलो कि भाई किसानों को नेता कौन कौन हो, आ हमारे साथ संसद में बैठो, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें सही है, बताओ, उसको संशोधन करते हैं, जाओ तुम भी अपने घर में जाओ यार हटाओ। ये बताइए कि बनारस को मिला 182 करोड़ का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, बदौलिया में मिला मल्टी लेवल पार्किंग, और कह रहे हैं कि विदेशों जैसी लुक आ रही है, क्योटो जैसी एक खुशबू आ रही है बनारस में, इस बात को लेकर बनारस में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं बढ़ी? गोदौलिया पे जाके आप जब पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेंगे तो 20 रुपया घंटा है, 20 रुपया घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए, अगर मैं 12 घंटा वहाँ गाड़ी खड़ा किया तो कितना पैसा हुआ? और रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, उसका किराया जान रहे हैं कितना है? 1,00,000 रुपया घंटा, 1,00,000 रुपया घंटा वहाँ का किराया है। पहले तो था व्यवस्था कि एक मध्यम परिवार भी वहाँ से अपना कार्यक्रम कर लेता था, लेकिन अब तो उसका भी कमर तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। कोई विकास बनारस में नहीं हुआ है, पूरे 90 वार्डों में आपको बता दें पीने के पानी में दूषित जल आता है, पूरे 90 वार्डों में सीवर ओवरफ्लो करता है। हमेशा योगी जी आते कहते हैं जून महीने में रोड को गड्ढा है पाट दिया जाएगा, अभी आप बगल में चल के देखिए वहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं पटा हुआ है। सिर्फ जुमला से काम नहीं चलेगा, मोदी जी काम करिए, काम करेंगे। हम 70 साल राज किए कांग्रेसी ने, हम आपको 17 साल दे रहे हैं, आप फिर आइए, लेकिन काम तो करिए, जनता काम पे चुनेगी। सदियों से चला आ रहा राम मंदिर का विवाद सॉल्व हो गया और 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व हो गया और धारा 370 खत्म कर दी गई, तो इससे आपको नहीं लगता कि मोदी की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है? एक बात मैं बताऊं पत्रकार महोदय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारी चीज़ें धर्म और आस्था की चीज़ें हैं। मैं भी धर्म की नगरी काशी में रहता हूँ, मैं भी श्री राम जी का रोज़ सुबह पूजा करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं श्री राम जी का बाजारीकरण करूँ। मैं स्वागत करता हूँ माननीय मोदी जी का जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन ये बताइए कि जब पेट में भोजन रहेगा तब ना हम जय श्री राम या अल्लाह करेंगे? जब हम भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, जब अपने घर का बिजली बिल नहीं चुका पा रहे हैं, जब हम अपने गाड़ियों में डीजल पेट्रोल नहीं डला पा रहे हैं, जब हम उसी मंदिर में मैं जा रहा हूँ, उस मंदिर में मैं एक माला, एक नारियल नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, इतनी इस वक्त अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे बच्चे जो घर में हैं वो दूध के लिए तरस रहे हैं, हर जगह से दिक्कतें परेशानियाँ जब आ रही हैं, जब हमारे खाते में पैसे नहीं हैं, हम जब कमा नहीं पा रहे, हमारे रोजगार चले गए हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किया था कि नहीं किया था? कितने करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? युवाओं को लाठियाँ मार रहे हैं आप, जिला पंचायत सदस्य को चुनाव हुआ तो महिलाओं का चिरहरण कर रहे हैं, उनके पल्लुओं को खींच रहे हैं आप, तो आपकी लोकप्रियता कहाँ से बढ़ेगी? आप एक देश के सम्मानित मतलब प्रधानमंत्री हैं, जिस कुर्सी पे आप हैं, आप प्रचार में इतने भक्ति में घुस चुके हैं कि जो डस्टबिन है बनारस में, जो कूड़ेदान जिसको कहा जाए डस्टबिन, उस डस्टबिन में भी माननीय मोदी जी का चेहरा लगा। तो ये बताइए कि देश का दुर्भाग्य ना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उस पर डस्टबिन में लगा हुआ है? अरे इतना मतलब लोकप्रियता आपको है,
काम कुछ करना नहीं है। लोकप्रियता आपको चाहिए दुनिया भर की। फाइनल बताइए, मोदी जी की लोकप्रियता बड़ी है या नहीं बड़ी है? बिल्कुल बहुत 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 घटी है और घटती रहेगी इनकी लोकप्रियता। आप बताइए, पूरे कोरोना काल में पूरे देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनों को नहीं खोया है। कोई अपने मामा का खोया है, कोई मामी को खोया है, कोई माँ को खोया है, कोई बाप को खोया है, कोई बहन को खोया है, कोई मित्र को खोया है। कोई ऐसा व्यक्ति हमको गिना दीजिए जो कहे कि अपनों को नहीं खोया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। अगर समय पे लॉकडाउन लगा दिए होते तो आज ये स्थिति भारत में हम लोग नहीं देखे होते जो इस समय देख रहे हैं। ये बताइए कि बनारस में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है या कितना घटा है? इजाफा 101% हुआ है। और बताइए, जैसे ये सड़क देखिए, पानी देखिए, और ये जो टंकी वंकी सब बढ़िया से सुंदरीकरण हो गया। हमारा आवाज़ भी बना है, कहिएगा तो मैं आवाज़ दिखा दूंगा। और हर गांव में लाइट बिजली सब पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है। कौन कर रहा है खराब? कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोग मारे गए। और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहा हमारे मुख्यमंत्री, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की वजह से लोग नहीं मरे। मतलब ये तो जो उन दिग्वंत आत्माओं के ऊपर तुम थूक रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिनके घर पे के, जिनके परिवार के सदस्य जो गुजर गए होंगे, तुम्हारा ये बात एक तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना कि नहीं, आपकी सरकार जो है काबिल नहीं हो पाई, अगली बार और प्रयास करेगी। उल्टा आप जाके आप ये जो है स्टेटमेंट दे रहे हो कि नहीं ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं हुआ। शर्म नहीं आ रही है आपको? धंधे के लोग हैं वो तबाह हो गए, इसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफ़ी घट गई है। एक चीज़ बताएं आपको, इसमें लोकप्रियता उनकी घटी नहीं है। देखिए, विपक्ष में कुछ लोग होते हैं जो उनको बुरा कह रहे हैं, और जो सही रहेंगे वो बुरा नहीं कहेंगे। ठीक है, हमारे मामा जी गुजरे, हम तो बुरा नहीं कहेंगे। हमारे जो देख रेख करते थे, हमारे मुखिया थे, गुजरे हैं, उनको हम बुरा कह रहे हैं नहीं ना? किस लिए? क्यों? सही आदमी को इतिहास गवाह है कि हर एक सही आदमी को ही गाली मिलता है, बुरे आदमी कहाँ गाली मिलेगा। पहली बार एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मिला, ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसा हुआ, इस बात में लोकप्रियता बढ़ रही है। इसमें नरेंद्र मोदी की क्या थी? हम कह रहे हैं पत्रकारिता में आपको बहुत बढ़िया अवार्ड मिला, आपको सर्टिफिकेट मिला। कैसे मिला? आपके कर्म से। आपने उस पर काम किया, आपने उसको आगे बढ़ाया, तो आपको सर्टिफिकेट मिला। इसमें मोदी का क्या रोल है इसमें? आप ये बताइए कि आप वैक्सीन जो लग रहा है उस वैक्सीन पर आप मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में माँ गंगा की गोद में लाखों आपको डेड बॉडी लाशें मिली, लाखों लाशें, हजारों लाशें आपको इलाहाबाद में दफनाया गया, गाजीपुर में मिला, आजमगढ़ मिला, बलिया में मिला। तो क्या उस मृत्यु प्रमाण पे जो सर्टिफिकेट है उस पर क्या मोदी जी का चेहरा आप लगाएंगे? मोदी जी उस पर क्यों नहीं लगा रहे कि आप मेरे वजह से तुम्हारा बाप मर गया? जिसका बाप ऑक्सीजन से मरा है वो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ाएगा कि घटाएगा? जिसकी बहन रेमडेसिविर से मर गई हो, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिला हो, वो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ाएगा या घटाएगा? आप कहाँ से पत्रकार महोदय किस विषय पे बात कर ले रहे हैं कि इनको सर्टिफिकेट मिल गया? मृत्यु प्रमाण पत्र पे लगाइए ना सर्टिफिकेट, तो हम जाने आपको। प्रचार प्रचार प्रचार, यही खाली माननीय मोदी जी कर रहे हैं। काम काम काम, कोई काम नहीं हो रहा है। अब बनारस माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चे 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और मोदी जी के जो इतने भी विधायक मंत्री सांसद हैं उनके पास दुर्गा मंदिर पे क्यों नहीं जाकर उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या परेशानी है? आखिर यही नेत्रहीन बच्चे जब DLW में माननीय मोदी जी आए थे तो उनका स्वागत किए थे, इनको सम्मान दिए थे। आज जब वो कष्ट में है, आज जब उनको सम्मान देने की बारी आ रही है, तो आप छिपे हुए हो। जैसे घर में ऐसा कौन सा काम है जिसके आधार पर उनकी लोकप्रियता आपको लगता है कि बढ़ रही है? आवाज दे रहे हैं, जनधन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है इनका है। यहाँ रामाकांत नगर में चले जाइए, जो कोविड RT-PCR चेकअप होता है वो आप जाएंगे तभी ना कुछ होगा, कि हम कहें तभी होगा। यहाँ तो पब्लिक तो पूछे खुद ही बताएंगे। वो बनारस को एक नंबर में बनाने वाले मोदी जी, आज जाग देखे चौड़ीकरण हुआ बाबा विश्वनाथ जी का, कितनी सुंदरीकरण हुआ है देखे, हर जगह LED पार्किंग की सुविधा। क्या चाहिए आपको, क्या नहीं है? और इसके पहले क्या हुआ था? कहा जा रहा है कि ठेले खुमचे वालों को भी इतना प्रमोट किए हैं मोदी जी, 10,000 रुपया दे रहे हैं कि अपना रोजगार बढ़ाइए, उस हिसाब से आपको लगता है कि आप लोगों के बीच मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है? 10,000 रुपया का लोन तो जरूर मोदी जी ने हम लोग को दी है, लेकिन देने से कोई फायदा हम लोग का मिला नहीं, इसलिए कि जिस वक्त दिए उसी महीना से कितना पैसा शुरू हम लोग का हो गया पैसा, और पैसा हर महीने अपना 980 रुपया हर महीने अकाउंट से कट जा रहा है।
और बताइए इसी पीरियड में लॉकडाउन से अभी तक मैं 6 महीने से खुद बीमारी से परेशान थे, जो कि हमारे अकाउंट में पैसे भी जो भी बैलेंस था वो सब काट के ख़त्म कर दिए। तो हम कर्जा महाजन लेकर किसी तरह अपना व्यवसाय अभी कल से आज से शुरू किए हुए हैं, किसी तरह दाल रोटी अपना चल रहा है। गरीब आदमी का बड़ी परेशानी हो रहा है, मतलब यही सब बात है। लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी की छवि कैसी है, अच्छी है कि खराब है? अभी तो देखा जाए तो छवि जो है उनकी सही चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं गड़बड़ियाँ, कुछ ऐसा है कि कुछ शिकायतें आ रही है इसमें बीच बीच में उनकी, कि कहीं कहीं कुछ इस तरह की बात है। रुद्राक्ष भी बना, अभी आप देखिए नए नए पुल बने। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि रुद्राक्ष बना, रुद्राक्ष से इनको कितना फायदा है? ये बनारस क्या है ना, आपको कितना फायदा होगा? रुद्राक्ष को जो हमारे जनता है उनको फायदा होना चाहिए, जनते के लिए सोचा जाता है, अपने लिए पर्सनल ही नहीं। कौन सी जनता को फायदा हुआ है? अब ये तो विपक्षी लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। आप बताइए कि इससे आप भी बनारस के रहने वाले हैं, इसके पहले रुद्राक्ष की जगह प्रेक्षागृह हुआ करता था, 8 से 10 हज़ार रुपए में बुकिंग होती थी, आदमी अपना काम कर लेता था, गरीब तबके का लोग। लेकिन रुद्राक्ष का किराया 1 लाख रुपए एक घंटे का हो गया, इससे कितना फायदा जनता को होगा? वो तो जनता के लिए, जनता को तो हो ही रहा है, और कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है पर कुछ होता नहीं है। और ये जैसे हमारे बाहर से आते थे विदेश के लोग, ठीक है, यहाँ को बड़ी दीनहीन भावना से देखते थे, ठीक है, कम से कम उनको, उनके लिए तो एक बढ़िया व्यवस्था कर दिया गया। अच्छा। कम से कम हमारे भारत को सुदृढ़ तो बनाए, और हर जगह उनका नाम हो रहा है। किस मामले में सुदृढ़ हुआ भारत? सुदृढ़ इस मामले में कि साफ सफाई के मामले में, जब जलकल वाले में एकदम सुदृढ़ है, और बिजली 24 बारिश में पूरा का पूरा शहर उभर चुभर करने लगता है, डूबने उतराने लगता है। कहाँ है जरा दिखाइए, अभी हमें कोई वीडियो बना के दिखाइए उभर चुभर। अभी एक कंप्लेन करते तुरंत आके बनाने शुरू कर देते हैं, पहले क्या था कोई सुनवाई नहीं होता था, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि हम ये हैं वो हैं तो गलत कह रहा है। हम जब देख रहे हैं कि वो चीज़ हमको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस कहीं नहीं जा रहा, तो क्यों हम भी, हमारा धंधा ना चले? अगर मान लीजिए 4 दुकान है, हमारा धंधा ना चले तो हम बुरा कहने लगे? नहीं, कहीं मेरे अंदर कमी होगी, मेरा धंधा नहीं चल रहा है तो मैं कहूँगा कि मेरा दुकान नहीं चल रहा, मैं झाड़ फूक करना शुरू कर दूंगी, तो गलत चीज़ है। तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है? डगमगाई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डगमगाई नहीं है, कुछ डगमगाई नहीं है। ये कहने वाले कहते रहे, बैंक कह रहा है ये डगमगा गई। कौन डगमगा गई, कब कहा है? और लोगों से पूछिए हम क्या आमदनी में कितना इजाफा हुआ है? हमारी आमदनी जो कल थी वही आमदनी आज है, और आमदनी महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है। इसका कारण है कि पूरी देश दुनिया जो है आज प्रकोप झेली है कोरोना का, तो हमारा देश भी झेला है, लेकिन उससे फाइट कौन किया है ये बात तो देखिए। अब जिस तरह से फाइट करके आज हमारा देश संभल गया है, दूसरे देश तबाह हो चुके हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री और सरकार का नेतृत्व का योगदान है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। रही बात की बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम कर रहा है आपको लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकप्रियता सरकार आती है, उसका जाने का समय होता है, धर्म तरफ से महंगाई बढ़ती है, दूसरी विरोधी पार्टियां उसको नीचा दिखाती हैं, ये सब राजनीति होती रहती है, हमें उस सब में नहीं पड़ना है। लेकिन हमें ये है कि भाई महंगाई डीजल पेट्रोल है, सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी कहीं ना कहीं से। सरकार अभी यही उम्मीद करना है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होने वाले हैं, आप चाहे जितना बोल लीजिए। हाँ, हम लोग बोल कहाँ रहे हैं, हम लोग तो बस झेल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इस बात से एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आज महंगाई है, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी से उबारा है सरकार ने, लोगों को राशन पहुँचाया है, लोगों को घर दे रही है, आज भी उनकी योजनाएँ एक भी ठप हुई हैं? सबको घर मिल रहा है, सबको फ्री में राशन मिल रहा है, सबको फ्री में गैस कनेक्शन मिल रहा है, सबको मकान मिल रहा है, बिजली भी फ्री में मिल रही है। जहाँ तक बिजली यहाँ बनारस में 18 घंटे गई गायब, 2 घंटे आई गायब, 4 घंटे आई गायब, आज बिजली में बैठ के गर्मी में हवा ले रहे हैं, बिजली भी अच्छी हो गई है पहले की तुलना में, सड़कें भी है, उसका असर हो रहा है भाई। जब सुविधाओं का आप 500 का शर्ट पहन के घूमेंगे, 1000 का 1500 का शर्ट पहनेंगे तो महंगा तो पड़ेगा ना। आप एसी में रहना पसंद करेंगे पंखे को छोड़ करके, तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। तो आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो महंगाई बढ़ रही है, वो तो बात अलग है ही है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है? सरकार क्या करेगी, सरकार का दोष या प्रत्यय दोष हम उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं भाई साहब। सरकार का दोष है या सरकार ये है, सरकार जो कर रही है सही कर रही है, सरकार के साथ है, विरोध
विरोधी दल विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसका भुगतान करते हैं। विरोधी दल कल आ जाएंगे तब भी यही क्वेश्चन उनसे भी उठेगा, दो साल करने के बाद तीसरे साल फिर उनसे यही सवाल पूछने लगेंगे, भाई साहब आपने क्या किया। हमारे लिए तो मोदी जी सबसे बढ़िया बेस्ट आदमी है, ठीक है। ये बनारस को हमारे इतना सुदृढ़ बना दिए हैं, साफ सुथरा बना दिए हैं कि हम इतने खुश हैं कि क्या बताएं। और जहां हम अपने ससुराल जाते थे या कहीं भी अगल बगल जाते थे या हम अपने बहन के जाते थे, हमारी बहन का एक कुटिया था, कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। तो आज जौनपुर में भी जाते तो कम से कम 50 घर हमको आवास वाला मिला है बना हुआ। तो करेंगे तो होगा, अब कुएं के पास आप नहीं जाएंगे तो आपको पानी आपके मुंह में नहीं जाएगा, ठीक है। हैं मोदी जी गलत कहीं नहीं कर रहे हैं। और आपदा विपदा आती रहती है, वो तो प्राकृतिक आपदा, उनको कौन रोका। किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं किसान। अब देखिए विपक्षी लोग बहुत आते जाते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। किसान तो अपने परिवार हैं, अब उसमें क्या राजनीति हो रही है तो हमें भी नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है उसमें क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रुद्राक्ष बना के यहाँ पे क्या हासिल हुआ, ये बताइए। ठीक है, हमारे रुद्राक्ष में प्रेक्षागृह में ही रिकॉर्डिंग मतलब हम हॉल बुक कर लेते थे, ठीक है, बात सही है, प्रेक्षागृह के अलावा बहुत से भी हैं। क्या किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए हमारे पास कोई जगह थी? क्या कोई जापान या चाइना, कोई बड़े बड़े जो आज विकास विकसित देश हैं, वहाँ से कोई किसी को बुला करके कोई करने का सेंटर था हमारे बनारस में? था कि प्रेक्षागृह में बुला के जापान वालों की मीटिंग कराते थे? सम्मेलन बनारस में नहीं हुआ करते थे जब रुद्राक्ष नहीं। भाई साहब वो रुतबा मिलता था, विदेशी आके यहाँ प्रेक्षागृह में आके बुराई करके जाते थे, पान थूका हुआ सब चीज़ मिला। बता अगर सुधार किया गया है, उसको हमारे रुद्राक्ष को विदेशों तक पहुंचाया गया है, तो इसमें नाराजगी कहाँ से, कौन सी बात है? सुधार करना अच्छी बात है। नाराजगी उसके दाम को लेकर है कि अब हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। आप सुधार करते चीज़ें वैसी रहती बहुत अच्छा होता। अब जब अफोर्ड, भाई साहब ना आप अफोर्ड कर पाएंगे ना हम अफोर्ड कर पाएंगे उसको, उसका फायदा हमारे आपके लिए क्या है? अपनी औकात नहीं है तो हम नहीं जाएंगे रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष को विदेशियों के लिए छोड़ दीजिए, मोदी जी के लिए छोड़ दीजिए। क्या रुद्राक्ष के अलावा बनारस पूरा खाली हो गया है क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि वो चीज वो जनता के लिए हो रही थी। इधर आइए, आप अपने बात में फंसते नजर आए। नहीं फंसते, वो कोई बात नहीं हो रही। कह रहे हैं जनता के लिए बन रही, वही चीज आप कह रहे हैं विदेशियों के लिए छोड़ दीजिए। भाई साहब जनता के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि विदेशियों के लिए जगह छोड़ रहे हैं कि जनता के लिए। नहीं बात ये नहीं है भाई साहब, हमारे जनता के लिए है, कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान की बात है। आज कोई विदेशी आके प्रेक्षागृह में मीटिंग करके बुराई करके चला जाता था तो बनारस का मान सम्मान नहीं बढ़ता था। आज आएगा यहाँ पे और देखेगा कि बनारस की ये सुंदरता है, ये प्रेक्षागृह है, वहाँ का हाव भाव देखेगा। मोदी जी का यहाँ का सांसद हैं और बनारस मोदी जी की ही नहीं बात बने, मोदी जी तो कल 5 साल बाद चले जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, बनारस का नाम तो दे के जा रहे हैं ना रुद्राक्ष। विदेशी हमेशा सालों साल के लिए आएंगे बनारस में। ठीक है, आपके बात का जवाब ये दे रहे हैं, बताइए। अब जैसे भैया ने मान सम्मान की बात की ना कि विदेशी आएंगे आप लोग आएंगे तो मान सम्मान हमारा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है मैं वाकिफ हूँ। लेकिन ये मालूम है ये मार्केटिंग की भाषा बोल रहे हैं। अब जो मान सम्मान वाली बात है आप जमीनी स्तर पर हमको आपको देखे करिए, उस मान सम्मान का क्या होगा जो मिडिल क्लास फैमिली परीक्षा गरीब 10,000 में बुक करके जो अपनी बेटी की शादी कर लिया करता था, अब तो ना उसके पास उतने पैसे हैं कि वो उसे बुक कर पाए और ना वो उतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम, जब वो एक कार्यक्रम करेगा और फिर उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे, फिर उसका मान सम्मान जो जाएगा तो क्या वो मान सम्मान नहीं होता? हम इतना ऊपर जाके क्यों सोच रहे हैं, हवा में क्यों हैं हम? जमीनी स्तर पर देखो ना यार, जमीनी स्तर पर देखो कि जनता क्या झेलेगी। आप टीवी देख के परेशान हो कि नहीं हम जो है विश्व गुरु बनने जा, वास्तविकता जानिए। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा देश कहीं सबसे ऊपर हो, लेकिन आप वास्तविकता में जिए ना, मार्केटिंग में ना जिए। क्या बात है कि भाई साहब आपका कहना ठीक है, गरीब लोगों को जिसको शादी करनी होती है उसके बेचारे लॉन बुक करने की भी औकात नहीं होते, अपने रोड पे टेंट लगा कर लेता है, वो मोदी जी के प्रेक्षागृह बुक करने नहीं जाता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। 10,000 रुपए महंगा बताएगा, अपने पड़ोसी को छोड़कर दूसरे के यहाँ चले जाएंगे जो 5,000 रुपए सस्ता दिया रहेगा, तो वहाँ पे तो नहीं कहने जाते तूने लान हाई फाई क्यों बना दिया, तू 50,000 रुपए इसका क्यों एक्स्ट्रा कर रहा है। भाई साहब ये हम तो मिडिल क्लास बरोबरी आपके पड़ोसी हैं। यही बात, अब यहाँ पे बात कैसी होने लगी, कॉर्पोरेट जैसी, मार्केटिंग जैसी, जनता वाली बात नहीं हो रही है कि जनता को पहले क्या मिलता था अब क्या मिलता था। मैं बड़ी अच्छी, ये मैं मानता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, इतनी सुंदर चीज हमारे काशी में इतनी सुंदर चीज बनी है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। अगर लेकिन उसकी सुंदरता और कहीं ज्यादा बढ़ गई होती, अगर उसका दाम इतना ना होता तो।
मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली उसको अगर अफोर्ड कर पाती तो सोचिए उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ती। जो हम उसे अफोर्ड, वो मेरी जैसे मैं हूँ आप भैया, वो मेरे किस काम का है ये बताइए, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे इंटरनेशनल मीटिंग नहीं करना भैया, मुझे तो अपनी बहन की शादी करनी है, नहीं कर पाऊंगा मैं वहाँ पे, पहले कर सकता था। बात परीक्षा गृह की हो रही है, वहाँ की करिए, अब नहीं कर सकता। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार को भाई यहाँ के लोकल निवासियों को देखते हुए उनको कुछ सब्सिडी या कोई योजनाएं करके वहाँ पर एक स्थान दिया जाए। इसके लिए से आप मांग उठाएंगे तो उसके साथ भी हम भी चलेंगे, लेकिन सवाल ये हो गया प्रेक्षागृह को तोड़ के क्यों रुद्राक्ष बना दिया गया? सवाल ये है कि रुद्राक्ष बना के उसका बजट इतना हाई क्यों कर दिया गया? रुद्राक्ष बनाना सवाल नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि रुद्राक्ष बना, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, लोग वहाँ पर जाके सेल्फी ले रहे हैं, मेरा भी मन होता है, मैं भी जाके वहाँ फोटो खींचूँ। लेकिन देख के ये दुख होता है कि यार अब मतलब मिडिल क्लास जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली थी जो आके 10,000 में बुकिंग करके अपनी बहन बेटी की शादी कर लिया करता था, अब वो नहीं हो पाएगा। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, चीज़ें बदलती, बदलना ठीक है, बदलना जो है स्वभाव है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बदल। एक बात तो पहले बता दूं भाई, 10,000 में शादी वादी कभी नहीं होती थी, कुछ स्कूल के सेमिनार्स जानकारी नहीं है, फिर आप यहाँ तो बनारस से नहीं है भाई साहब, फिर आप मूल रूप से बनारस से नहीं है, बात मानिए, मैं बगल में रहता हूँ परीक्षा गृह के, बात मानिए मेरी, और इनसे पूछ रही है परीक्षा गृह में शादी कहीं नेवता में जाके खाए? शादी होती थी कि नहीं परीक्षा गृह में? आप खुद बताओ। परीक्षा गृह में शादी नहीं होती थी, सेमिनार होता था। और सुनिए अब क्या हो रहा है, अब कोई मिडिल क्लास का रह नहीं गया, खाली नाम है मिडिल क्लास का, जिसके हाथ में मोबाइल और हेडफोन एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, मिडिल क्लास की परिभाषा तय कर चुकी है। अब जहाँ सादा मतलब सादा जीवन जीते थे लोग, अब कहीं भी होता है घर छोड़ के दूसरे जगह लान में बुक करते हैं, लान में क्या 50,000 में या 25,000 में बुक होता है, सबकी शादी जो अभी भी 70% जनता लॉन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बनारस के इस जनता से हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे जाने की नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ, कई बार ये अपनी निजी चीज़ों को लेकर उलझते नजर आए, लेकिन तमाम ये जानकारियों के साथ हम आपको और भी तमाम जानकारियां आगे देते रहेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ बकेट के साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।